हेलो गाइस, वेलकम टू प्रोग्रामिंग स्किल्स। तो आज के इस वीडियो में आपका पूरा डाउट क्लियर होने वाला है कि आपका जो एग्ज़ाम है, जो थर्ड सेमेस्टर में रेगुलर एंड बैक एग्ज़ाम और जो कि फिफ्थ सेमेस्टर में रेगुलर एग्ज़ाम, एमसीए का फिफ्थ सेमेस्टर का जो रेगुलर एग्ज़ाम, उन सभी के बारे में बात करेंगे। बट उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आपको लेटेस्ट अपडेटेड न्यूज़ चाहिए बीपीयूटी के ऊपर, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल साइड में होगा उसको प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि उनको पता चलेगा। जैसे ही अपडेट आता है मैं एक एक वीडियो बनाता रहता हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हमारा जो एग्ज़ाम होगा उसमें एआई सिस्टम इस बार रहेगा या नहीं रहेगा। एआई इस बार भी रहेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस बार भी रहेगा, पर आप तो एग्ज़ाम में एक्सपीरियंसड है और आपको अच्छे से पता होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रहने से क्या फ़ायदा है, नहीं रहने से भी क्या फ़ायदा है आपको पता होगा। ओके, तो मैं तो पूरा मतलब बोल नहीं सकता हूँ, फिर भी आप मेरा वीडियो से 21-22 वीडियो में प्लेलिस्ट बन चुका है बीपीयूटी का, उस प्लेलिस्ट में जाके आप आराम से देख सकते हैं। और इस बार भी ओपन बुक सिस्टम रहेगा, तो आप अपना बुक का यूज़ करके आप अपना एग्ज़ाम दे पाएंगे ओपन बुक सिस्टम। और उसके साथ में आपका इस बार ये भी रहेगा, जैसे कि अगली बार, पिछली बार जब आप एग्ज़ाम दे रहे थे आपका 150 मार्क का एग्ज़ाम हो रहा था, जिसमें से आपको 50 ग्रेस क्वेश्चंस मिल रहे थे। जिस 50 क्वेश्चंस का अगर आपका 100 क्वेश्चन आपका ठीक हो रहा है, अगर ठीक नहीं हो रहा है तो 50 क्वेश्चन का आप कुछ कुछ क्वेश्चन अगर वहाँ पे कर रहे हैं तो उसका ऐड होके आपका सब टोटल मार्क आता है। बट इस बार आपको 120 मार्क ही, मतलब टोटली आपका क्वेश्चन जितना भी है सब 120 मार्क का ही क्वेश्चन है। तो आप ओनली 120 क्वेश्चन में से आपका 100 क्वेश्चन काउंट होगा, तो आपका 20 क्वेश्चन ग्रेस मार्क में काउंट हो रहा है। तो आपका अगली बार के अलावा, मतलब पिछली बार जो हो रहा था एग्ज़ाम जो हो रहा था आपको 50 मिल रहा था, बट इस बार 20 ही मिलेगा क्वेश्चन एक्स्ट्रा। तो ये थोड़ा मतलब स्टूडेंट के लिए थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है कि इतना, क्योंकि किसी कुछ स्टूडेंट क्या कर रहे थे 150 क्वेश्चंस मार रहे थे और जिनमें से उनको बहुत प्रॉफिट आ रहा था। बट इस बार जो ये हो गया है, मतलब ओनली उनको 20 क्वेश्चन ग्रेस मिल रहा है, तो उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो पाएगा। बट फिर भी 20 क्वेश्चन बहुत है। अगर आप पढ़ के जा रहे हैं एग्ज़ाम देने के लिए, अगर पढ़ के, ऑनलाइन में एग्ज़ाम हो रहा है, पढ़ के जाना इधर नहीं, घर में बैठ के दे रहे हैं। बट एक चीज़ है, जो आपका आईडी पासवर्ड है वो सभी को आप संभाल के पहले से रख लीजिए। अगर इनकेस एग्ज़ाम टाइम में आपका कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है तो उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाया हूँ। अगर आपका पासवर्ड गुम हो जा रहा है तो उसको आपको कैसे निकालना है, अगर आपको उसके ऊपर और एक वीडियो चाहिए, सेपरेटेड डेडिकेटेड वीडियो चाहिए, कमेंट सेक्शन है, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं और एक उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। या अगर बीपीयूटी का एग्ज़ाम देने के टाइम में आपको किस चीज़ में प्रॉब्लम हो रहा है, अगर वो चीज़ अगर आप कमेंट सेक्शन में बता दें कि नहीं, हम एग्ज़ाम देने के टाइम में हमें इस पर्टिकुलर थिंग में हमको प्रॉब्लम हो रहा है, तो उस पर्टिकुलर चीज़ में मैं वीडियो बना सकता हूँ। और अभी का लेटेस्ट अपडेट यही है कि 15 तारीख को आपको शेड्यूल आएगा, मतलब आपका एग्ज़ाम का डेट जो है वो सब डेट आएगा। तो 15 तारीख तक आप सबको वेट करना पड़ेगा, जिसके बाद ही हमारा डेट एक बार जब आ जाए उसी के बाद ही हम कुछ, मतलब उसके बाद डिस्कस कर सकते हैं कि एग्ज़ाम का जो क्राइटेरिया है, कुछ एक्सटर्नल कुछ क्राइटेरिया चेंज हुआ, इंटरनल क्राइटेरिया कुछ चेंज हुआ, वो सब 15 तारीख में ही पता चलेगा। बट उससे पहले भी कुछ नोटिस आ जाएगा बीपीयूटी साइट में। तो बीपीयूटी साइट में अगर आप अपडेटेड नहीं हो तो मेरे चैनल में अपडेटेड रहिए, जिसमें कि आपको मैं अपडेटेड रखता रहूँगा हर एक वीडियो के माध्यम से। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।